नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेटा, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेयर। नाउ थीटा हमारे पास है 6 रेडियंस, हमें इसको डिग्री में करना है। तो आपने पढ़ा हुआ है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपको यहां से 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो पाई उसके नीचे चला जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो वैल्यू हम उसमें यूज करेंगे। ये हमारे पास हुआ थीटा इज इक्वल टू 6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो देखिए यहाँ पे पहले पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 180 डिग्री अपॉन पाई है 22/7। नाउ इसको ऊपर ले जाते हैं, 6 इंटू 180 डिग्री इंटू 7 अपॉन 22, ये कैंसिल होगा 2 से, 2 थ्री जा 2 इलेवन जा 7 थ्री 21, और 21 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3780 अपॉन 11, ये हमारे पास आए डिग्रीज में। जब डिग्री में आता बेटे हम इसको करते हैं आगे स्प्लिट करते हैं सारा मिनट्स एंड सेकंड्स में। उसके लिए आपको ये देखो किस तरीके से करना है, यहाँ पे ये हमारे पास कितना है 3780, हम इसको पहले करेंगे डिवाइड 11 से, जब 11 से कर रहे हैं तो ये आएगा हमारे पास 11 थ्री जा 33, तो ये बचे यहाँ 7 में से 3 के 4 8 उतारा, यहाँ से 11 फोर जा 44 देन 40 फिर 11 थ्री जा 33, ये आ गया 7। अभी आगे है नहीं और जाएगा भी नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि ये डिग्री है, डिग्री से हमारे पास किस में आता है मिनट्स में, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट, तो हम 60 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ गया 420। अब ये 420 11 से ज्यादा है तो फिर इसको फिर से डिवाइड करेंगे 11 से करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 3 से जाएगा 33, 42 में से 33 के 90 आ गया, 8 से जाएगा 88 एंड देन अगेन 2, फिर ये छोटा आ गया उससे, और ये हमारे पास किस में हो गया, ये हो गया डिग्री हो गया, ये हो गया मिनट्स। अब हम किस में करेंगे सेकंड्स में, सेकंड्स में करने के लिए फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये है 120। अब अगेन इसको डिवाइड करेंगे 11 से, 1 से जाएगा तो ये आएगा 11, फिर 10 आ गया, अभी आगे जा नहीं रहा तो हम इसको फिर 0 उतारेंगे, यहां से 0 लगा के ये 0 आ गया, कितना आएगा 99 9 से, तो ये हमारे पास आ गया 1। तो अब इसको अप्रोक्सीमेट छोड़ देते हैं, ये हमारे पास मिनट्स में आ गया, तो इसको जब हम लिखेंगे 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 10.9 सेकंड्स। जब भी आपका डिग्री में आता है उसको स्प्लिट करना है पूरा, ये थीटा एंगल हमें जो निकालना था, कन्वर्ट करना था रेडियंस को डिग्री में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट through how many radians does it run in 1 second? ठीक है, एक व्हील जो है वो 360 revolutions करता है, चक्कर लगाता है पूरे एक मिनट में, through how many radians, कितने radians हो गए, does it run in 1 second? एक सेकंड में कितने radians ये बनाएगा? देखिए बेटे सबसे पहले तो कितने revolutions दिए हमें 360 1 मिनट में, तो सोल्यूशन जो है इसका नंबर ऑफ revolutions इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 360। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड, हम 1 सेकंड का हमें फाइंड आउट करना है ना 1 सेकंड का, तो उसके लिए 1 सेकंड का निकालेंगे 360 अपॉन 60, ये कैंसिल होके हमारे पास आ गया 6। अब देखिए उसके बाद एंगल जो बनता है, एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में, देखो एक चक्कर जब हम पूरा लगाते हैं एक चक्कर, तो कितने डिग्री एंगल बनता है 360 डिग्री, और हमें जो देना है क्वेश्चन रेडियंस में देना है, तो देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 360 कितना होगा आपको ऐसे आएगा ना 2 इंटू 180 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियंस, तो ये 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियंस बन गया। नाउ हमें रेवोल्यूशन हमारे पास कितने हैं, एंगल रेवोल्यूशन कितने हमारे पास 6 आए थे, तो एंगल मेड इन 6 रेवोल्यूशंस में हमारे पास 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई है, तो 6 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई रेडियंस, तो ये हमारे पास हो गया 12 पाई रेडियंस। और जो 6 रेवोल्यूशंस है वो कितने सेकंड्स में बन रहे हैं, 6 रेवोल्यूशन कितने सेकंड में बन रहे हैं 1 सेकंड में, तो देखो एंगल मेड इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 12 पाई रेडियंस।